नमस्कार, हम दीपाकरण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीक पार्थिव शरीर श्रद्धांजलि के लिए अस्पताल के परिसर में राखल गए। जोशीक निधन प्रति प्रधानमंत्री देवा कलन दुख व्यक्त। सत्तारूढ़ गठबंधन के शीर्ष नेता सब आई काठमांडू में प्रशिक्षण दे रहा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सत्ता गठबंधन आबद्ध दल के नेता तथा कार्यकर्ता सहभागी। अगहन 4 गति होबे जा रहा प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन के लिए आए भीड़ में 17 लाख मतपत्र छापल गए। राजनीतिक नेता तथा पत्रकार के राखक लेल बनाल गए ईरान के एकटा जेल में लागल आग। सरकार विरोधी उग्र प्रदर्शन जारी। आ नवम राष्ट्रीय खेलकूद अंतर्गत उसु प्रतियोगिता आई रवि दिन से भर रहा शुरू। प्रतियोगिताक सांसु पुरुष दिस 9 स्वर्ण 9 रजत आ 18 कांस्य के लिए भर रहा प्रतिस्पर्धा। आ पूरा समाचार। शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी के पार्थिव शरीर श्रद्धांजलि के लिए अस्पताल परिसर भीतर राखल गेल अछि। हुनकर 103 वर्ष के उम्र में इलाज के दौरान रवि दिन आई भिनसर में किस्ट अस्पताल में निधन भ गेल। मरणोपरांत अपन शरीर दान के घोषणा करनिहार जोशी के पार्थिव शरीर श्रद्धांजलि के लिए अस्पताल के परिसर में राखल गेल अछि। श्रद्धांजलि कार्यक्रम पश्चात हुनकर पार्थिव शरीर फेर से अस्पताल के सौंप देल जायत। पारिवारिक स्रोत जानकारी देलक अछि। 2 वर्ष पहिने जोशी दंपति सत्यमोहन जोशी आ हुनकर पत्नी राधा देवी जोशी निधन भेलाक बाद अपन शरीर किस्ट अस्पताल द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेज के दान करबाक निर्णय केने छलनि। किस्ट अस्पताल जोशी दंपति के पछिला किछु वर्ष सँ नियमित रूप में निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान करैत आबि रहल अछि। जोशी के श्रद्धांजलि अर्पण करक लेल प्रधानमंत्री सहित के विशिष्ट व्यक्ति सब औता। ललितपुर के प्रमुख जिला अधिकारी बतौलनि अछि। एहि बीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी वांग्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी के निधन सँ देश एकटा अथक स्रष्टा अभिभावक गमौलक बतौलनि अछि। तहिना जोशी के निधन प्रति प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा दुख व्यक्त कयलनि अछि। प्रधानमंत्री देउबा शताब्दी पुरुष जोशी द्वारा संस्कृति के क्षेत्र में कयल गेल योगदान राज्य सब दिन याद राखत कहिकऽ ओ ट्विटर मार्फत कहलनि अछि। तहिना नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी के निधन सँ स्तब्ध भेलहुँ बतौलनि अछि। सत्तारूढ़ गठबंधन के शीर्ष नेता सब आई काठमांडू में प्रशिक्षण दे रहल छथ। काठमांडू के काड़ाघाड़ी स्थित शुभश्री पार्टी पैलेस में दोपहर 1 बजे प्रशिक्षण कार्यक्रम राखल गेल। माओवादी केंद्र के काठमांडू जिला इंचार्ज कुमार पौडेल जानकारी देलनि अछि। पूर्व सभामुख एवं काठमांडू क्षेत्र नंबर 2 के उम्मीदवार समेत रहल माओवादी नेत्री ओनसरी घरती के अनुसार नेपाली कांग्रेस के सभापति एवं प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा, माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड, नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, काठमांडू क्षेत्र नंबर 1 के कांग्रेस उम्मीदवार प्रकाश मान सिंह सहित प्रशिक्षण देता। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सत्ता गठबंधन आबद्ध दल के नेता तथा कार्यकर्ता के सहभागिता रहत कहल गेल अछि। निर्वाचन आयोग आगामी अगहन 4 गते होबयवला प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन के लेल समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली दिस के छपाई भेल जानकारी देलक अछि। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली दिस के प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा में उक्त प्रणाली के लेल कुल 4,06,05,000 मतपत्र के छपाई कार्य सम्पन्न भेल छल। प्रतिनिधि सभा दिस के समानुपातिक प्रणाली के लेल 2,04,21,000 मतपत्र के छपाई सम्पन्न भ चुकल अछि। तऽ 7 प्रदेश के लेल समानुपातिक दिस 2,01,84,000 मतपत्र के छपाई कार्य सम्पन्न भेल अछि। भक्तपुर स्थित जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड में उच्च सुरक्षा सहित मतपत्र छपाई कार्य भ रहल अछि। मैथिली समाचार में आब छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आब बाकी समाचार। नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर प्रकाश शरण महत गठबंधने के सरकार देश में आत्मनिर्भरता स्थापित कऽ सकैत अछि कहिकऽ दावी कयलनि अछि। शनि दिन वाम लोकतांत्रिक गठबंधन नेकपा माओवादी केन्द्र
नेपाली कांग्रेस रामेछाप जिला काठमांडू संपर्क समन्वय समिति के संयुक्त कार्यक्रम के संबोधन करैत ओहन बात बतौलन। प्रवक्ता महत गठबंधने सरकार देश में पर्यावरण मैत्री अर्थतंत्र के आगू बढ़ावत बतौलन। ओ विद्युत उत्पादन के व्यापक वृद्धि क निर्यात आ खपत बढ़ेनाय पर निर्भरता के समाप्त करक लेल विद्युत में आधारित ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम संचालन क पेट्रोलियम पदार्थ के आयात घटेबाक लेल देशी भीतर उद्योग व्यवसाय बढ़ेबाक लेल पर्यटन प्रवर्धन देश भर करक लेल कयल जाय वाला काज सब गठबंधने सरकार करत बतौलन अछि। ओ देश में समृद्धि के विकल्प नै रहल कहैत नेपाली युवा सब देश से भीतर रोजगारी प्राप्त करबाक अवसर सृजना केनाई पहिल आवश्यकता रहल कहलन। हमरा नेपाली युवाहरू देशभित्रै रोजगारी प्राप्त गर्ने जुन अवसर हामीले सिर्जना गर्नु छ, रोजगारीको लागि वैदेशिक निर्भरता समाप्त गर्नु छ, त्यसका लागि समृद्धि आवश्यक छ, समृद्धिका लागि लगानी आवश्यक छ, लगानीको लागि लगानी मैत्री वातावरण आवश्यक छ, सुशासन आवश्यक छ, स्थायित्व आवश्यक छ, त्यसका लागि यो गठबन्धनको बाटोमा हामी गएछौँ। यसले लय पनि पक्रिया छ। प्रवक्ता महत संविधान के रक्षा स्थायित्व आ समृद्धि के लेल गठबंधन बनल जिकिर करैत पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के नारा संविधान के रक्षा स्थायित्व आ समृद्धि के लेल गठबंधन भेनाय आवश्यक रहल बतौलन। आब आर्थिक समाचार। वरुण हाइड्रो पावर के कार्तिक 14 गते सँ सर्वसाधारण समूह के 355,060 कित्ता शेयर लीलामी बिक्री खुला भ रहल अछि। लगानीकर्ता के न्यूनतम 100 रुपया के आधार मानि कऽ एहिसँ बेसी भाव तय कऽ बोल कबोल माध्यम सँ आवेदन देबय पड़त। लीलामी भरबला अंतिम मिति कार्तिक 21 गते धरि के लेल तय कयल गेल अछि। एहिमे न्यूनतम 100 कित्ता आ अधिकतम सबटा किता के लेल आवेदन देल जा सकैत अछि। वरुण हाइड्रो पावर भादौ 6 गते सँ 100% हक प्रद शेयर बिक्री खुला केलक छल। कंपनी 26,79,075 किता हक प्रद शेयर बिक्री खुला केलक छल, मुदा ओहि समय भीतर आवश्यकता अनुसार हक प्रद शेयर बिक्री नै भेलाक बाद कंपनी बाँकी रहल शेयर आब लीलामी कऽ रहल अछि। एहिमे बिक्री प्रबंधक RBB मर्चेंट बैंकिंग लिमिटेड टेकू काठमांडू सँ आवेदन देल जा सकैत अछि। तहिना राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक लिमिटेड के शाखा कार्यालय सब बीरगंज, जनकपुर, नारायणगढ़, बागलुंग, बुटवल, नेपालगंज, वीरेन्द्रनगर, धनगढ़ी, बीरता मोड़, हेटौड़ा, तुलसीपुर, महेन्द्रनगर, विराटनगर आ पोखरा सँ सेहो आवेदन देल जा सकैत अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप अंतर्राष्ट्रीय समाचार। राजनीतिक नेता, पत्रकार आ विदेशी नागरिक के राखक लेल बनाओल गेल ईरान के एकटा जेल में आग लागल अछि। विविध मुद्दा में जेल सजाए भोग रहल नेता, पत्रकार रही रहल इभिन जेल में आग लागल BBC जनौलक अछि। ओहिठामक सरकारी अधिकारी सब के मुताबिक आग लागे सँ भेल क्षति के विवरण नै आयल अछि। शेयर कयल गेल आवाज वीडियो सब में तेहरान में आग के ज्वाला आ धुआं उड़ रहल देखल जाइत अछि। ओहिठाम बंदूक के गोली चल रहल जेहन आवाज आ विस्फोट सुनल गेल। अधिकारी सबक मुताबिक एखन स्थिति किछु सहज रहलाक बादो एखनो धरि ओहिठाम बंदूक के गोली चल रहल जेहन आवाज सब विस्फोट भेल सुनल गेल। अधिकारी सबक मुताबिक एखन स्थिति किछु सहज रहलाक बादो एखनो धरि आग नियंत्रण में नै आयल अछि। ईरान में किछु सरकार विरोधी उग्र प्रदर्शन जारी अछि। बीतल महीना 22 वर्षक कुर्दिस ईरानी महसा आमिनी के प्रहरी हिरासत में मृत्यु भेलाक बाद आक्रोश और उग्र रूप लेलक छल। सरकारी अधिकारी सब हुनकर हृदयघात सँ मृत्यु भेल कहि रहलाक बादो परिवार के सदस्य सब प्रहरी के यातना सँ मृत्यु भेल दावी केलक अछि। BBC के मुताबिक जेल में भेल आग लगी के घटना वह प्रदर्शन संगे संबंधित अछि कि नै ई स्पष्ट नै भ सकल अछि। आब खेलकूद समाचार।
नवम राष्ट्रीय खेलकूद अंतर्गत उसू प्रतियोगिता आई रवि दिन से शुरू भ रहल अछि। पोखरा रंगशाला के बहुउद्देश्य कवर्ड हॉल में उसू के खेल भ रहल अछि। प्रतियोगिता के सांसु पुरुष 30, 9 स्वर्ण, 9 रजत आ 18 कांस्य के लेल प्रतिस्पर्धा भ रहल अछि। तऽ सांसु महिला में 6 स्वर्ण आ कांस्य 12 पदक के लेल प्रतिस्पर्धा भ रहल अछि। सांसु 45-48 केजी, 48-52 केजी, 52-56 केजी, 56-60 केजी, 60-65 केजी, 65-70 केजी आ 75-80 केजी में समूह में खेल होयत। कास्की जिला उसू संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेंद्र गहतराज जानकारी देने थाउलो में पुरुष आ महिला दिस समान स्वर्ण 4, रजत 4 आ कांस्य 4 के लेल प्रतिस्पर्धा होयत। प्रतियोगिताक विविध इवेंट में करीब 340 खिलाड़ी सहभागी होयत। उसू का व्यवस्थापक गहतराज जानकारी देने उसू में 7 प्रदेश के 7 टीम आ 3 विभागीय कर 10 टीम के सहभागिता है। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर से एक बेर। शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी पार्थिव शरीर श्रद्धांजलि के लिए अस्पताल के परिसर भीतर राखल गेल। जोशी का निधन प्रदीप प्रधानमंत्री देववा कलन दुख व्यक्त। सत्तारूढ़ गठबंधन के शीर्ष नेता सब आई काठमांडू में दौड़ रहा छत प्रशिक्षण कार्यक्रम में सत्ता गठबंधन आबद्ध दल के नेता तथा कार्यकर्ता सहभागी हुए। अगहन 4 गते होबय जा रहल प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन के लिए आई धेर में 17 लाख मतपत्र छापल गेल। राजनीतिक नेता तथा पत्रकार के राखक लेल बनाओल गेल ईरान के एकटा जेल में लागल आग। सरकार विरोधी उग्र प्रदर्शन जारी। आ नवम राष्ट्रीय खेलकूद अंतर्गत उसु प्रतियोगिता आई रवि दिन से भ रहल अछि शुरू। प्रतियोगिताक सांसु पुरुष दिस 9 स्वर्ण, 9 रजत आ 18 कांस्य के लेल भ रहल अछि प्रतिस्पर्धा। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamachar.com में सेहो पढ़ देखा सुन सके छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार, हमर सबक प्रतिबद्धता। नमस्कार।